खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज बात होगी राहुल गांधी और पीएम मोदी की बदली राजनीति की, अखिलेश यादव के जोश और अहंकार की। इसके अलावा आज राजनीति में क्या हुआ कुछ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। BMW हिट रन केस में शिवसेना नेता को राहत, 14 दिन की न्यायिक हिरासत के आदेश के थोड़ी देर बाद ही जमानत। मुंबई की एक अदालत ने BMW हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता राकेश शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र में सैन्य वाहन पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। जिला कठुआ के कंडी क्षेत्र में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। वहीं जवानों ने मौका संभालते हुए जवाबी कार्यवाही की और मुठभेड़ जारी रही। अरविंद केजरीवाल को वकीलों से एक्स्ट्रा मीटिंग की मिली इजाजत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, उनके द्वारा वकीलों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति देने की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ साथ प्रविदेशन निदेशालय से 5 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। लखनऊ के रहीम नगर में बुलडोजर चलाने के लिए सर्वे, प्रशासन लगा रहा घरों पर लाल निशान। लखनऊ में अकबर नगर के बाद रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर जैसे कई जगहों पर निर्माण गिराने का अभियान चलेगा। सोमवार को LDA, जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने रहीम नगर में सर्वे किया और जिन मकान को गिराया जाना है उन पर लाल निशान लगाए। शेयर बाजार लाल निशान पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 36 अंक टूटा, निफ्टी 24,300 के करीब। शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सोमवार को 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 36 अंक टूटकर 69,960 पर बंद हुआ, जबकि दूसरी ओर 50 अंकों वाला निफ्टी 30.30 कमजोर होकर सपाट बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो आपको हैरान कर देंगे, पहले तो देखिए ये वीडियो। ये ऊपर वाला गैराज बंद है, अंदर लाइट ना। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को जा अंदर जा, अंदर जा। एक बंदा जा अंदर पूरा। ये फोन दे इसको, अंदर फोन दे, अंदर अंदर का पूरा वीडियो बनाना। सर मोबाइल दे दो। पूरा दिखा अभी, दाएं बाएं कर फोन को, ऊपर भी दिखा छत। वहां पे कहीं कुछ सामान पड़ा अंदर? नहीं सर, है? नहीं सर, नहीं नहीं सर, यहाँ तो खाली एक है। क्या कहते हैं उसको, जो अपना ये अंदर दीवार के अंदर छोटी छोटी जगह है ना, लाइट नहीं है तो लाइट अंदर कर, लाइट अंदर कर, दीवार में थोड़ी थोड़ी जगह है, उसमें देख कोई आई कार्ड, कोई कागज, कुछ पन्नी वन्नी कुछ रखी है क्या? नहीं सर, यहाँ तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आ जाओ। नहीं सर, फोन दे दे पहले।
ये नहीं। दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जहां सुरक्षा बल एक घर की जांच करते देखे जा सकते हैं। जवान एक कमरे में लगी कपड़े की अलमारी को भी देखते हैं, इसमें नीचे के हिस्से में छिपने के लिए बंकर बना दिखता है। बताया जा रहा है कि कुलगाम में मारे गए आतंकी इसी बंकर में छिपे हुए थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों के रडार में आने से बचने के लिए सीक्रेट अड्डा बना रखा हुआ था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बल अब आतंकियों को पनाह देने और उनकी मदद करने में स्थानीय लोगों की भूमिका की जाँच कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी खास रिपोर्ट की ओर। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद भी अभी राजनीतिक जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये जंग साफ तौर पर राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी की हो चुकी है। राहुल गांधी का भले प्रधानमंत्री बनने का सपना इस बार भी पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन वो अगली पारी के लिए इसे अपने लिए पक्का करने में जुटे हुए हैं। वही राहुल गांधी हर वो काम कर रहे हैं जो पीएम मोदी नहीं कर पाते। राहुल गांधी जननायक बन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हाथरस का मुद्दा हो या गुजरात की सियासत, असम की बाढ़ हो या फिर मणिपुर का मुद्दा, राहुल भाजपा वालों से भी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। आज राहुल गांधी जहां असम और मणिपुर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को साझा किया, वहीं पीएम मोदी रूस के दौरे के लिए रवाना हो गए। ऐसे में अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों पीएम मोदी के पास विदेश जाने का समय है और मणिपुर जाने का नहीं। देखिए ये रिपोर्ट, इन दोनों वीडियो को देखिए। एक ओर पीएम मोदी रूस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जननायक बन असम में बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसे में अब आज दोनों की राजनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार भारतीय परंपरा को तोड़ते हुए पहला दौरा किसी पड़ोसी देश का करने के बजाय भारत के 70 साल पुराने दोस्त के घर जा पहुंचे। पीएम मोदी का रूस का दौरा कई मायनों में खास होगा। रूस हमेशा से सामरिक दृष्टि से भारत का करीबी रहा है और यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर हैं। कारोबार के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि इस दौरे से तेल और समंदर के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी आज असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद मणिपुर दौरे पर निकले और मणिपुर के जिरीबाम जिले पहुंचे और वहां राहत कैंपों में पहुंचकर पीड़ितों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि मणिपुर पिछले साल 3 मई से जातीय संघर्ष की चपेट में है। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी ने मणिपुर का ना तो दौरा किया और ना ही ज्यादा बात की, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर से लगातार जुड़ रहे और आज भी वहां जाकर लोगों की परेशानियों को सुना, जिसके बाद कांग्रेस राहुल गांधी की जननायक छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिला और ना ही उन्होंने इसकी इच्छा जताई, जिसके बाद से पीएम मोदी पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी का रूस का दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी जरूरी है, लेकिन मणिपुर के मामले में उनकी दिलचस्पी ना दिखाना उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब देखा जाए तो राहुल गांधी की प्रतिबद्धता जितनी समाज के प्रति बढ़ती जा रही है, उतनी ही उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही है, जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकती है। जहां राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ भी गए और सत्संग कार्यक्रम के बाद मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवारों से भी मिले, वहीं पीएम मोदी को हाथरस जाना भी जरूरी नहीं लगा। इसके बाद पीएम मोदी का अब विदेश जाना लोगों को खटक रहा है और कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारे अगले मुद्दे की ओर। यूपी में भाजपा के सियासी हालात बिगड़ने वाले अखिलेश यादव आजकल सातवें आसमान पर हैं। शायद उनको लग रहा है कि इस बार उनकी जीत आगे भी जीत की कहानी लिखेगी। उपचुनाव के लिए तो वो जीत पक्की ही समझ रहे हैं, लेकिन शायद यही वो सबसे बड़ी गलती भी कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि अहंकार से किसी को कभी कुछ भी नहीं मिलता, बीजेपी को भी नहीं मिला और आगे उनको भी नहीं मिलेगा। दरअसल हम अखिलेश यादव के लिए अहंकार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका अहंकार हाल ही में सदन में दिखा था, जब उन्होंने अयोध्या की जीत पर अहंकार भरे शब्द बोले थे। अखिलेश यादव अयोध्या लोकसभा सीट से सपा की जीत को एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का हर जतन कर रहे हैं। जाने अनजाने वो अब बीजेपी से लड़ते लड़ते प्रभु श्री राम को चुनौती देने लगे हैं।
आपको याद होगा जब संसद के भीतर अखिलेश यादव अयोध्या से विजय हुए अवधेश प्रसाद की शान में जय अवधेश के नारे लगाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा करके जय श्री राम के समानांतर अवधेश प्रसाद को खड़ा दिखाने की साजिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, सपा द्वारा सांसद अवधेश को अयोध्या का राजा बताया जा रहा था, जबकि समाजवादी जानते हैं कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम थे। हालात ये हैं कि अब तो विपक्ष अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर का चुनाव लड़ाने की भी बात कहने लगा है, जबकि वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या को समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर लिया है। ऐसा करके वो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को चुनौती तो अपने पीडीए वाले एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अवधेश दलित समाज से आते हैं, इसके जरिए भी वो दलितों को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। ये सिलसिला फिलहाल थमने वाला तो नहीं लगता। अभी 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। सपा देखना चाहती है कि इसका उसे चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। अब उपचुनाव में भी सपा का प्रदर्शन बेहतर रहा तो वो 2027 के विधानसभा चुनाव तक अपने सभी इसी एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक के खास मुद्दे, लेकिन इसके अलावा आज दिन भर राजनीति में क्या हुआ कुछ खास, वो भी आपको बता देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। एक बैठक के बाद वे राष्ट्रपति पुतिन के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 22वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालने वाले हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। विपक्ष के जोरदार हंगामे और वॉकआउट के बीच सीएम सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया। इसके अलावा ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका देते हुए बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका हाईकोर्ट की संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। वहीं कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सुधाकर ने अपनी जीत की खुशी में लोगों के बीच शराब बंटवाई। उधर पुलिस ने इस मामले में अपनी गलती से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि यह आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि समारोह में शराब बांटने की अनुमति आबकारी विभाग ने ही दी है। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मगर जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। बिहार में इन दिनों बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। कहीं बिजली गिरने से लोगों की मौत हो रही है तो कहीं पुल टूटने से हादसे। बिहार में पुल ऐसे टूट रहे हैं जैसे पुल शीशों के बनाए गए हों। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं वाकई हैरान करती हैं, साथ ही चिंतित करने वाली भी हैं। ऐसी खबरें हैं, अकेले बुधवार यानी 3 जुलाई को ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5 पुल पुलिया धराशायी हो गए। इन पुलों के गिरने व अन्य सरकारी निर्माणों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, चरमरा गई है, दोषग्रस्त हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलों के गिरने से जितनी पैसों की बर्बादी हुई उसकी भरपाई आखिर किससे कराई जाएगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत, इसी सुविचार के साथ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।